अब आइए हम बात करते हैं बारह राशियों के बारे में क्या की बारह राशियां क्या कहती हैं किसका भागोदय होगा कौन पुलिस सेवा में जाएगा कौन सेना में जाएगा कौन विदेश जाएगा पढ़ने कौन विधिवेत्ता बनेगा किसको शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा सारी बात हम आपको बताएंगे किसको भूमि भवन से लाभ मिलेगा कौन घर बनवाएगा कौन देश विदेश की यात्रा करेगा आपको किस रंग के प्रयोग करने से भागोदय होगा किस रंग के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी सावधानी क्या बरतने उपाय क्या करना आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से जो मेष राशि के जातक हैं आज आपको घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी चतुर्थी क्लाब से मन प्रसन्न रहेगा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और आपके यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है माली हालत अच्छी होगी दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी और कुछ नए तरीके कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा सावधानी क्या बरतनी है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने, लेने से एक बार बड़ों की राय जरूर लें उपाय क्या करना हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा ओम घृणी सूर्यानविष मंत्र का जप करना आपके लिए ठीक रहेगा शुभ अंक है तीन शुभ रंग है केसरिया लक मीटर है नौ हरे कृष्ण बात करते हैं वृक्ष राशि की जो वृक्ष राशि के जातक हैं आज आपको आय से ज़्यादा व्यय का योग बन रहा है अकारण चिंता बनी रहेगी मानसिक उद्विग्नता हो सकती है पराक्रम से धन लाभ होगा पिता का सुख मिलेगा रोग और शत्रु परास्त होंगे कई महत्वपूर्ण कार्य करने से मन प्रफुल्लित रहेगा धन की स्थिति अच्छी होगी सावधानी क्या बरतनी है लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर के कार्य करें उपाय क्या करना सफेद वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा असहाय को भोजन कराना आपके लिए लाभप्रद रहेगा आज के लिए शुभ अंक है सात शुभ रंग है डार्क नीला लक मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते हैं मिथुन राशि की जो मिथुन राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि अपने स्पष्ट बाध्यता पर नियंत्रण रखें कोई चीज़ कटु हो और असत्य हो एकदम मत बोलिए या कटु हो सत्य हो मत बोलिए क्योंकि सत्य बोलने से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं इसलिए आप कटु भाषा का प्रयोग न करें आपके विरोधी रोग और शत्रु परास्त होंगे आपके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा माली हालत अच्छी होगी आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है दूर देश की यात्रा होगी पत्नी को नौकरी मिल सकती है कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा सावधानी क्या बरतनी है कोई चीज कल्पना डालें जो करना तत्काल प्रभाव से करें उपाय क्या करना हरा चारा गौशाला में दान करो अपनी बहन को हरे रंग का वस्त्र जरूर दें आपके लिए लाभप्रद रहेगा शुभ अंक है नौ शुभ रंग है लाइट हरा लक मीटर है साथ हरे कृष्ण बात करते हैं कर्क राशि की जो कर्क राशि के जातक है आज आपके विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी धनागम होने की संभावना बन रही है रोजी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे रोग और शत्रु पर प्रभावी रहेंगे माता पिता का सुख मिलेगा दूर देश की यात्रा करेंगे सावधानी क्या प्रतनी है न तो किसी को तनाव दें न तो किसी से तनाव लें उपाय क्या करना है किसी गरीब या सहाय को दूध पिलावें या वस्त्र दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा शुभ अंक चार शुभ रंग आप व्हाइट लक मीटर आठ हरे कृष्ण बात करते हैं सिंह राशि की जो सिंह राशि के जातक हैं आज आपके आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है आत्मबल में वृद्धि होगी आय के संसाधनों में वृद्धि होगी पिता का सुख मिलेगा कोर्ट कचहरी में कोई वाद विवाद चल रहा सो आपको विजयश्री मिलेगी कई महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना बन रही है सावधानी क्या बरतनी मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय क्या करना है दाल भरी पूड़ी गौशाला में दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा शुभ अंग पाँच शुभ रंग है लाल लक मीटर है छः हरे कृष्ण बात करते हैं कन्या राशि की जो कन्या राशि की जातक हैं आज आपके आग आय के संसाधनों में वृद्धि होगी विद्या और बुद्धि से धन लाभ होगा मान सम्मान में वृद्धि होगी परिवार में शुभ और मांगलिकार होने की संभावना बन रही है दूर देश की यात्रा हो सकती है अकारण कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन खुश रहेगा और आपका मन कई बार अकारण चिंतित भी रहता है तो अपने मन पर नियंत्रण रखें सावधानी का व्रत है आपको अपनी योजनाएं गुप्त रखने उपाय क्या करना हरा चारा दान करें गौशाला में और हरा मटर गाय को अपने हाथ से खिलावें शुभ अंक है तीन शुभ रंग है हल्का आसमानी लक मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते हैं तुला राशि की जो तुला राशि के जातक हैं आज आपके लाभ के चतुर्थी अवसर प्राप्त होंगे सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी घर बनाने का अवसर मिलेगा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और न्यायालय में अगर कोई भी बात भी चलो सो आपको विजयश्री मिलेगी माली हालत अच्छी होगी तनाव समाप्त होंगे सावधानी क्या बरतनी है व्यय पर नियंत्रण करने की जरूरत है उपाय क्या करना है मोती या सफ़ेद वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा शुभ अंक है दो शुभ रंग है नीला लक मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते हैं वृश्चिक राशि की जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपको आज से ज़्यादा व्यय होने का योग बन रहा है दूर देश की यात्रा होगी क्रोध पर नियंत्रण रखें और दिल के बजाय दिमाग की बात सुने घर बनाने के अवसर मिलेंगे और इधर कोई भी धन लगाएंगे तो उससे लाभ मिलेगा संतान से मन प्रसन्न रहेगा प्रॉपर्टी ताद खरीदने का अवसर मिलेगा आज आपको सावधानी क्या बरतनी है लेन देन किसी भी स्टेंजर से न करें नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है उपाय क्या करना है संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें और उनको चोला अर्पित करें आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपको क्या करना है कि शनि देव को स्मरण करते हुए शमी का पत्ता अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा ओम संघ सनसायन विश्व मंत्र का चौबीस बार जप करें आपके लिए शुभ अंक एक शुभ रंग है केसरिया लक मीटर सात हरे कृष्ण बात करते हैं धनु राशि की जो धनु राशि के जातक हैं आज आपको विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन लाभ प्राप्त होगा चोट चपेट से बचें विवादों के बजाय मध्यम मार्ग अपनावे रुका हुआ धन प्राप्त होगा और कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा रियल इस्टेट प्रॉपर्टी महज से पूज्य निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा आज सेना या पुलिस में नौकरी लग सकती है प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी माता पिता के सहयोग से आगे बढ़ेंगे विरोधी परास्त होंगे खडयंत्रकारी विफल होंगे सावधानी क्या बरतने मध्य मार्ग अपनावें विवादों से बचें उपाय क्या करना है पीला वस्त्र दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा और गाय को चने की दाल भरी पूड़ी जरूर खिलावें शुभ अंक है दो शुभ रंग है बैगनी लक मीटर छः हरे कृष्ण बात करते हैं मकर राशि की जो मकर राशि की जातक हैं आज आपको अपने आलस्य का परित्याग करें विवादों से बचें भूमि भवन वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा संततियों का सुख प्राप्त होगा यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ होगा माता पिता का सुख मिलेगा वाद विवाद से बचें और माता पिता से किसी प्रकार का वाद विवाद न करें आज पत्नी और माता में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो सोच समझ के खरीदें और मुकदमे इत्याद से बचें सावधानी बरतनी है मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय क्या करना है काला तेल दान करें और सम्मी का पत्ता शनिदेव को अर्पित करें ओम संघ शनसायण मंत्र का चौबीस बार जप करें और काली वस्तु का दान करें या सरसों के तेल का दान करें शुभ अंक है आठ शुभ रंग है सफ़ेद लक मीटर है सात हरे कृष्ण बात करते हैं कुंभ राशि की जो कुंभ राशि के जातक हैं आज आपको राज सत्ता से लाभ प्राप्त होगा आत्मबल में वृद्धि होगी दूर देश की यात्रा होगी नई नौकरी का योग बन रहा है आज आपको अपने संबंधों से थोड़ा पीड़ा हो सकती है हेल्थ को लेकर के दिक्कत हो सकती है और नेत्र संबंधी परेशानियाँ आ सकते हैं द्रुदगत की गाड़ी चलाने से बचें प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में आज, आज आपको बड़ी नौकरी मिल सकती है टेक्निकल के फील्ड में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का अवसर मिलेगा सावधानी क्या बरतनी है साझेदारी में व्यापार करने से बचें उपाय क्या करना है काली गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा और आज, आज आपको क्या करना है कि शनि देव को सम्मी का पत्ता अर्पित करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा शुभ अंक है आठ शुभ रंग है सी ग्रीन और लक मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते हैं अंतिम राशि मीन की जो मीन राशि के जातक है आज आपको यात्रा से लाभ होगा भाग में वृद्धि होगी संततियों का सुख प्राप्त होगा नौकरी में पदोन्नत का योग बन रहा है छोटी छोटी बात को लेकर आप परेशान होते हैं तो परेशान न हो और अपने लक्ष्य पर लग जाइए आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी और क्या करना है कि आज अपने मन पर नियंत्रण रखें उपाय क्या करना है पीला वस्त्र किसी सुहागिन महिला को दान करें शुभ अंक है नौ शुभ रंग है पीला लक मीटर है नौ हरे अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज है सत्ताईस अक्टूबर दो आज जिन दर्शकों का जन्मदिन उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई ढेरों शुभकामनाएं आपका जन्मदिन शुभ हो मंगलमय हो आप खूब आगे बढ़िए प्रगत करिए और जो भी आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोरथ पूर्ण हो आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो हैप्पी बर्थडे आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनका मूलांक होता है नौ तो खास तौर से नौ अठारह सत्ताईस तिथि की जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक होता है नौ नौ नंबर बड़े महत्वपूर्ण अंक होता है अगर नौ नंबर के लोग देखा जाए तो आपके जीवन में कभी आप समझौता नहीं करते और संघर्ष से घबराते नहीं प्रतिकूल परिस्थिति में आपके हौसले बढ़ जाते हैं यह वर्ष आपके लिए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है प्रॉपर्टी खरीदेंगे माली हालत अच्छी होगी भूमि भवन खरीदेंगे महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे पिता का सुख मिलेगा कई महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना बन रही है देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगातार नौ महीना आपके लिए बहुत अच्छा है धन की स्थिति अच्छी होगी दूर देश की यात्रा होगी प्रॉपर्टी खरीदेंगे घर बनवाएंगे घर में नया मेहमान आएगा अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे तो आपको सफलता मिलेगी जो नवंबर दिसंबर जो दो महीने बचेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो खास तौर से आपके लिए स्ट्रगल का है थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं सावधानी क्या बरतनी है, है गुस्से में आकर कोई कार्य नहीं करना अपने को संतुलित रखना है और बड़ों का सम्मान करना है उपाय क्या करना है पूरे वर्ष पर्यंत आप हनुमान जी की आराधना करिए आपके लिए अच्छा रहेगा चोला अर्पित करिए आपका वर्ष ठीक रहेगा बात करते हैं गुरु के नुस्खे की आज है 27 अक्टूबर 2024, दिन है रविवार खासतौर से सनातन धर्म में रविवार दिन का बड़ा महत्व होता है तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है आपके यस पथ प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है उच्च पद प्राप्त होता है हेल्थ वेल्थ आपका अच्छा होता है अगर वहीं आपका सूर्य कमजोर होता है तो आपको नौकरी मिलने में दिक्कत होती है हड्डी में प्रॉब्लम होती है कई तरह की दिक्कतें है आती हैं तो खास तौर से जो रविवार दिन होता है सूर्य देव के नाम पर पड़ा हुआ है तो जिनकी कुंडली में अगर सूर्य नीच का है तो उनको क्या करना चाहिए कि ओम घृणी सूर्यान्वय मंत्र का जप करें और प्रातः प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करिए जल अर्पित कैसे करेंगे तांबे का एक लोटा ले लीजिए और उसमें लाल पुष्प चावल को लाल रंग में रंग लीजिए और करके और अच्छत अपना करके ओम घृणी सूर्याव मंत्र से जप करिए दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी करे परीक्षा देने में उसको दिक्कत आ रही है सफलता नहीं मिल रही है तो आपको इक्कीस रविवार व्रत रहिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जिन कन्याओं जो कन्या शादी योग्य हो गई शादी नहीं हो रहा है तो इक्कीस रविवार व्रत रहें और क्या करें कि सूर्य देव की आराधना करें और इक्कीस रविवार व्रत के साथ साथ शाम को नमक नहीं खाना है सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण कर लें रविवार के दिन लाल वस्तु का दान करना आपके लिए कर रहेगा तो छोटे छोटे उपाय करके अपने चीज को ठीक कर सकते हैं और आपके घर पर लगता है कि कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है दिक्कत आ रही है आपके घर में परेशानी और ये धन नहीं रुक रहा है तो ओम भूर्भुआ स्वह वरेडियम भर्गो देवस्य धीमय धियो न प्रचोदयात इस मंत्र का आपको जप करना है अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा